नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुबे विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना कैंप ने एक कार्यक्रम के दौरान बयानबाजी के चलते पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, तो उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 56 वर्षीय जौहरी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता आम आदमी के लिए काम करने की है, तो उधर कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान मुंबई में सफाई का स्तर काफी अच्छा हो गया था, लेकिन प्रतिबंधों के उठने के बाद मुंबई में फिर कचरे का उत्पादन बढ़ गया है। इसी बीच एनसीबी के मुंबई मंडल के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। प्रदेश के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना कैंप ने एक कार्यक्रम के दौरान बयानबाजी के चलते पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल दोनों समूहों के बीच पार्टी के नियंत्रण और चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर जंग जारी है। मामला भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंच गया है। खबर है कि 14 अगस्त को मुंबई के मकथाने इलाके में कार्यक्रम के दौरान सुर्वे ने कहा कि अगर कोई हमारे साथ लड़ेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो उन्हें जवाब दो, किसी की दादागिरी सहन नहीं की जाएगी। मैं प्रकाश सुर्वे आपके लिए यहाँ हूँ, अगर आप उनके हाथ नहीं तोड़ सकते तो उनके पैर तोड़ दो, मैं अगले दिन आपकी जमानत कराऊंगा, चिंता मत करना। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी से नहीं झगड़ते, लेकिन अगर कोई हमसे लड़ेगा तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। दहीसर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि जून में हुई बगावत के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। इसके बाद राज्य में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद से ही शिवसेना के दो गुट बन गए और दोनों ही अब आमने सामने हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 56 वर्षीय जौहरी को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 2 घंटे के अंदर 8 बार धमकी भरे कॉल किए थे। आरोपी को लेकर पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी की पहचान विष्णु भौमिक के रूप में है, लेकिन संदिग्ध ने कॉल करते समय अपना नाम अफजल होने का दावा किया था। उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सोमवार 15 अगस्त को कई बार धमकी भरे फोन आए। रिलायंस फाउंडेशन के हरसकी संदास अस्पताल में नंबर पर सुबह करीब 10:30 बजे फोन आए। अधिकारी ने बताया कि भौमिक ने सुबह करीब 10:30 बजे गिरगांव से रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पर 8 से 9 बार फोन किया और अंबानी एवं उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। उसने अपशब्द भी कहे। पुलिस ने कहा कि 56 वर्षीय भौमिक ने एक बार धमकी भरे फोन कॉल में धीरूभाई अंबानी के नाम का भी इस्तेमाल किया था। धमकी भरे फोन करने के लगभग 3 घंटे बाद दोपहर करीब 1:30 बजे उपनगरीय दहीसर से आरोपी विष्णुविंदु भौमिक को गिरफ्तार किया गया। वह दक्षिण मुंबई में एक आभूषण की दुकान चलाता है। अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार भौमिक पर इससे पहले भी इसी तरह के फोन करने के आरोप लगे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता आम आदमी के लिए काम करने की है। साथ ही कहा कि वह अन्य पिछड़ा वर्गों, मराठा और धनगर समुदायों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि हमने पहले दिन से काम करना शुरू कर दिया और हमारी प्राथमिकता आम आदमी, किसानों, श्रमजीवी वर्ग के लिए काम करने की है। एकनाथ शिंदे ने बतौर मुख्यमंत्री राज्य सचिवालय में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर शिंदे ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई है। राज्य में 28 जिलों में 15 हेक्टेयर जमीन को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित लोगों को दी जाने वाली सहायता राशि दोगुनी कर दी गई है। बाढ़ का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए हम वैज्ञानिक ढंग से नदियों को गहरा बनाने और उनकी गाद निकालने का एक कार्यक्रम चला रहे हैं। पर्यावरण के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मैंग्रोव वनों को आरक्षित वन घोषित किया जाएगा। मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को 60,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज लेने की अनुमति दी गई है, जिससे कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी। हमारे सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है।
कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान मुंबई में सफाई का स्तर काफी अच्छा हो गया था, लेकिन प्रतिबंधों के उठने के बाद मुंबई ने फिर से कचरे का उत्पादन बढ़ गया है। मुंबई में अब प्रतिदिन 6500 मेट्रिक टन कचरा पैदा हो रहा है। कोरोना के दौरान 3500 से 4000 मेट्रिक टन था। बीएमसी ने 2 अक्टूबर 2017 को सोसाइटियों में कचरा प्रबंधन अनिवार्य किया है। इसके तहत 20,000 वर्ग मीटर से बड़ी सोसाइटियों और 100 किलो से ज्यादा कचरा निर्माण करने वाली सोसाइटियों में गीले कचरे के डिस्पोजल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। सोसाइटी में कचरे के खाद निर्माण की व्यवस्था करने वाली सोसाइटियों को प्रॉपर्टी टैक्स में बीएमसी छूट भी दे रही है। इसके बावजूद मुंबई में कचरे का उत्पादन बढ़ रहा है। मुंबई में 35,000 रजिस्टर्ड सोसाइटियां हैं, जिसमें से महज 1300 सोसाइटियों में कचरे के डिस्पोजल की प्रक्रिया शुरू हुई है। बीएमसी का घन कचरा विभाग प्रतिदिन औसतन 6000 मैट्रिक टन से अधिक कचरा उठाकर डंपिंग ग्राउंड में फेंकता है। इस समस्या के समाधान के लिए बीएमसी ने मुंबई में 100% कचरा प्रोसेस करने का रोड मैप बनाया है। इसमें कचरे का विकेंद्रीकरण दोगुना करने और हर वार्ड में कचरा प्रोसेस करने सहित कचरे से बिजली उत्पादन शामिल है। बीएमसी घन कचरा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना के बाद लोगों में कचरे को लेकर काफी जागरूकता आई है। लोग पहले के मुकाबले अब कम कचरा इधर उधर फेंक रहे हैं, इससे कचरा उठाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। एनसीबी के मुंबई मंडल के पूर्व निदेशक समीर वानखड़े ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। एक अधिकारी ने बताया कि इस शिकायत के आधार पर शहर की पुलिस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मलिक के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। वानखड़े ने रविवार को महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग की मुंबई जिला प्रति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति से क्लीन चिट मिलने के बाद यह शिकायत दर्ज कराई। समिति ने सरकारी नौकरी पाने के लिए वानखड़े द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा कराने के आरोपों की जांच की थी। मलिक ने आरोप लगाया था कि वानखेड़े ने सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा कराया था। अधिकारी ने रविवार को कहा कि समीर वानखेड़े ने गोरगांव पुलिस थाने में नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जो धन शोधन के कथित मामले में जेल में बंद है। एनसीबी के पूर्व अधिकारी की शिकायत पर मलिक के खिलाफ मानहानि के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने गत शुक्रवार को अपने आदेश में कहा था कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी वानखेड़े जन्म से मुस्लिम नहीं थे। यह साबित हो गया है कि वह महाजाति से है, जो अनुसूचित जाति ऐसी श्रेणी में आती है। समिति का आदेश मिलने के बाद वानखेड़े पुलिस थाने गए और मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव के लिए एक बुरी खबर आई है। आईआरसीटीसी होटल घोटाले में सीबीआई एक्टिव मोड में आ गई है। तो बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही नई दिल्ली में बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आनन फानन में बुलाई गई है। वहीं कर्नाटक में सरकार के एक विज्ञापन को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल विज्ञापन में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करने वाली तस्वीर से नेहरू जी की तस्वीर गायब थी। तो उधर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शिवमोगा में हिंदुत्व के प्रतीक विनायक दामोदर सावरकर और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का बैनर लगाने को लेकर दो समूह के बीच जमकर विवाद हो गया। इसी बीच 15 अगस्त के दिन गुजरात में बिल्किस बानो कांड के दोषियों को जेल से आजाद कर दिया गया। देश भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए एक बुरी खबर आई है। आईआरसीटीसी होटल घोटाले में सीबीआई एक्टिव मोड में आ गई है। इस घोटाले में सीबीआई की ओर से दायर एफआईआर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा 11 और लोग आरोपी बनाए गए हैं। ये मुकदमा 2017 में दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में चल रही है। याद रहे तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा था कि हम तो चाहते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के लोग मेरे घर के अंदर कार्यालय खोले, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली तो मैं क्या कर सकता हूँ। वे हमारे खिलाफ जो भी जांच करना चाहते हैं उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये मामला ऐसे समय में हुआ था जब मेरी दाढ़ी और मूछ नहीं थी। बिहार के उपमुख्यमंत्री के रूप में 18 महीने के कार्यकाल के दौरान मुझ पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। अगर केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई कोई कदम उठाना चाहती है तो इसे हम कैसे मना कर सकते हैं। हम जांच के लिए तैयार हैं, चाहे जिस भी स्तर की हो। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, सब राजनीतिक दुश्मनी है। हाल में जिस प्रकार से भाजपा के खिलाफ विरोधी पक्ष लामबंद हो रहा है, उसे देखते हुए खींच स्वाभाविक है। नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद से ही बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नीतीश कुमार और जेडीयू पर हमलावर है। इसी बीच आज नीतीश कुमार की नई कैबिनेट का विस्तार किया गया। राज्यपाल फागू चौहान ने महागठबंधन के सभी नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शामिल नहीं हुए।
आरजेडी से सबसे ज्यादा 16 मंत्री बने। जेडीयू से 11 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। वहीं कांग्रेस से 2, हम से 1 और एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया गया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली है। वे हसनपुर से विधायक है। विभागों का बंटवारा भी आज ही होने की संभावना है। राजभवन में नीतीश कुमार की नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह 52 मिनट तक चला। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली तक इस मंत्रिमंडल विस्तार का असर देखा जा रहा है। बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आनन फानन में बुलाई गई। बैठक में बिहार के दिग्गज नेता सूबे को लेकर रणनीति तैयार करने में लगे हैं। इस बार वे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, राधा मोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी कुमार चौबे, शाहनवाज हुसैन जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्नाटक में सरकार के एक विज्ञापन को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल विज्ञापन में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करने वाली तस्वीर से नेहरू जी की तस्वीर गायब थी। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। वहीं भाजपा का ये कहना था कि ऐसा इसलिए किया गया कि भारत के पहले पीएम प्रभावी रूप से विभाजन का कारण बने थे। विपक्ष पर पलटवार करते हुए बोम्मई ने कांग्रेस पर आम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आम्बेडकर को उनका उचित सम्मान क्यों नहीं दिया गया। कांग्रेस ने उन्हें संसद में प्रवेश करने की अनुमति तक नहीं दी। जब उनकी मृत्यु हुई तब सरकार ने अंतिम विश्राम स्थल तक प्रदान नहीं किया। आम्बेडकर के स्मारकों पर काम अधूरा रह गया। 65 साल तक आपने नेहरू के नाम पर देश चलाया। हम नेहरू या उनके काम को नहीं भूले हैं। हम उनके लिए बहुत सम्मान करते हैं। प्रदेश भाजपा महासचिव और MLC एन रवि कुमार ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस को भंग करने की सलाह दी थी, लेकिन नेहरू ने गांधी जी की एक नहीं सुनी, इसलिए उनकी तस्वीर को जानबूझकर विज्ञापन से बाहर रखा गया था। हालांकि विवाद को बढ़ता देख CM बसवराज बोम्मई ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू के योगदान को स्वीकार किया। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर PM नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को आज़ादी दिलाने वाले ज्ञात और अज्ञात वीरों को याद किया। PM ने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब आम्बेडकर और वीर सावरकर का नाम लेकर उनके प्रति देश की कृतज्ञता जताई। PM मोदी ने सावरकर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कतार में उनको खड़ा किया। हालांकि एक सच ये भी है कि बीजेपी विरोधी पार्टियां अलग अलग वजहों से सावरकर को लेकर भगवा दल पर हमले करती रही है। दरअसल सावरकर दक्षिणपंथी राजनीति के अगुवा थे और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। सावरकर ने 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में काला पानी की सजा काटी थी। हालांकि सावरकर का विरोध करने वाले अंग्रेजों से उनकी माफी वाली चिट्ठी का जिक्र कर हमला करते रहते हैं। एक सच ये भी है कि आज़ादी की लड़ाई में सावरकर के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। एक सच्चाई ये भी है कि पूर्व PM इंदिरा गांधी सावरकर को महान विभूति बताया था। बावजूद इसके सावरकर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शिवमोगा में हिंदुत्व के प्रतीक विनायक दामोदर सावरकर और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का बैनर लगाने को लेकर दो समूहों के बीच जमकर विवाद हो गया। इसके बाद प्रशासन ने यहां निषेधाज्ञा लागू कर दी। अभी इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। 3 मार्च 2002 बिल्किस बानो के लिए ये वो दिन था जब उसकी जिंदगी तबाह हो गई। गर्भ में 5 महीने के पल रहे बच्चे के स्वागत के लिए बिल्किस और उसका परिवार तैयारी कर रहा था। उसके घर खुशियां आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात दंगों ने सब तबाह कर दिया। दंगाइयों की भीड़ बिल्किस के घर में घुसी और निर्ममता से उसकी आंखों के सामने ही पूरे परिवार को खत्म कर दिया। दंगाइयों का जी यही नहीं भरा, उन्होंने बिल्किस के साथ हैवानियत की। उसके साथ एक एक करके कई लोगों ने गैंग रेप किया। वो दर्द से तड़प कर बेहोश हो गई। होश आया तो न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उसके दोषियों को उम्र कैद हुई, लेकिन अब उन्हें गुजरात सरकार ने जेल से रिहा कर दिया है। दोषियों ने 15 साल से अधिक जेल की सजा काटने के बाद समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को उनकी सजा माफ करने के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया था। सरकार ने एक समिति का गठन किया। इस पैनल की जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों को 15 अगस्त के दिन जेल से आजाद कर दिया गया। बिल्किस बानो गैंगरेप मामला गुजरात दंगों का सबसे भयावह मामला था। बिल्किस उस समय 21 साल की थी और गर्भवती थी। गैंगरेप के बाद वो नंगे बदन से ही आगे बढ़ी और पास की एक आदिवासी महिला से कपड़े उधार लिए। एक होमगार्ड ने बिल्किस को देखा तो वो उसे लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गया, जहां उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लंबी अदालती लड़ाई के बाद बिल्किस बानो को न्याय मिला था। एक अध्ययन में
में खुलासा हुआ है कि अगर आज के समय रूस और यूक्रेन के बीच फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हो तो दुनिया में 5 करोड़ लोग मारे जाएंगे। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि भारत आज एक विश्व शक्ति बनने जा रहा है, तो भारत और चीन में एक बार फिर से तनाव बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं और इसका कारण चीन का खोजी जहाज युआन वांग 5 है। इसी बीच म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत नेलेन हेजर ने पिछले अक्टूबर में पद पर नियुक्त होने के बाद पहली बार दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र की यात्रा की, तो उधर चीन में कोरोना का कहर जारी है। अभी भी देश के कई इलाकों से COVID-19 के केस निकल कर सामने आ रहे हैं, वहां के हालात अच्छे नहीं है। दुनिया भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक नई स्टडी में दुनिया को डराने वाली चेतावनी दी है। स्टडी में खुलासा हुआ है कि अगर आज के समय रूस और यूक्रेन के बीच फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हो तो दुनिया में 5 करोड़ लोग मारे जाएंगे। हालांकि ये सभी लोग बम के सीधे प्रभाव से नहीं बल्कि दुनिया भर में अकाल के प्रभाव से मारे जाएंगे। नई स्टडी में दावा किया गया है कि न्यूक्लियर बम के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ सकेगा। अमेरिका के रटजर्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के 6 संभावित न्यूक्लियर संघर्षों से होने वाले परिणामों को मैप किया है। अध्ययन में उन्होंने कहा है कि रूस और अमेरिका के बीच अगर परमाणु युद्ध होता है तो आधी मानवता का सफाया हो जाएगा। इस अनुमान की गणना परमाणु विस्फोट के कारण पैदा होने वाले कालिख के वायुमंडल में जाने के आधार पर की गई है। अध्ययन में कहा गया है कि अगर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच ही अगर एक छोटा न्यूक्लियर युद्ध होता है तो 5 वर्ष में दुनिया में 7% फसल उत्पादन में गिरावट दिखेगा। वहीं रूस और अमेरिका के युद्ध में 3 से 4 वर्षों में 90% फसल उत्पादन गिरेगा। बता दें कि अगर यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद ये रिसर्च आई है। रूस की ओर से लगातार परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दी जाती रही है। भारत ने श्रीलंकाई नौसेना को एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत श्रीलंका संबंधों और साझा विरासत का जिक्र करने के साथ साथ भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत आज एक विश्व शक्ति बनने जा रहा है। शताब्दी के मध्य में आप एक ऐसे शक्तिशाली भारत को देखेंगे जो वैश्विक मंच पर एक अहम किरदार निभा रहा होगा। ये एक तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को श्रद्धांजलि है। इस दौरान श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने पंडित नेहरू और वाजपेयी के बीच के संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 75 साल पहले नेहरू ने भारत की तरक्की का एक बीज बोया था जो अब विशाल वृक्ष बनने की ओर अग्रसर है। हम देख रहे हैं कि भारत आज विश्व स्तर पर महती भूमिका निभा रहा है। रानिल विक्रमसिंघे ने नेहरू और वाजपेयी का वो किस्सा भी सुनाया जिसे खुद अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू की याद में सुनाया करते थे। विक्रमसिंघे ने कहा, एक दिन लोकसभा में भाषण देते हुए वाजपेयी ने नेहरू को आधा चर्चिल और आधा चेम्बरलिन कहा। उस दिन शाम को उनकी मुलाकात एक डिनर में पंडित नेहरू से हुई। नेहरू उनके पास आए और बोले कि आज आपने अच्छा भाषण दिया। उनकी पीठ थपथपाई और चले गए। कोई और नेता होता तो वो नाराज हो जाता, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। भारत और चीन में एक बार फिर से तनाव बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव की वजह चीन का खोजी जहाज युआन वांग 5 है। चीन का ये जासूसी जहाज पड़ोसी देश श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंच चुका है। भारतीय नौसेना ने श्रीलंका से आग्रह किया था कि वो चीन के इस खोजी जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत ना दे, लेकिन श्रीलंका माना नहीं और भारत के इस अनुरोध को दरकिनार कर चीन के इस खोजी जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत दे दी। भारत के अनुरोध को अनदेखी करने से नई दिल्ली कोलंबो से काफी नाराज है। चीन का जासूसी जहाज 6 दिन तक कोलंबो के हम्बनटोटा बंदरगाह पर रहेगा। युआन वांग 5 नाम के इस शिप से भारतीय नौसेना और इसरो की जासूसी का खतरा बढ़ गया है। चीन का ये जासूसी जहाज करीब 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से निगरानी कर सकता है। हम्बनटोटा पोर्ट से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी करीब 451 किलोमीटर है। युआन वांग 5 को स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग में महारत हासिल है। इस शिप के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग को ट्रैक किया जा सकता है। ये स्पेस साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल वारफेयर मिशन में मदद कर सकता है। इसी कारण भारत ने इसकी अनुमति नहीं देने का अनुरोध श्रीलंका से किया था। म्यांमार की राजनीति में वर्तमान में उथल पुथल मची हुई है। इस देश में पिछले साल से ही देश की राजनीति में मिलिट्री का घोर दखल जारी है। अपदस्थ नेता आंग सान सू की को वहां की कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई है।
आंग सान को भ्रष्टाचार के 4 मामलों में दोषी पाया गया, जिसके बाद उनको ये सजा सुनाई गई। इन सब के बीच म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत नेलेन हेजर ने पिछले अक्टूबर में पद पर नियुक्त होने के बाद पहली बार दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र की यात्रा की। नेलेन हेजर की ये यात्रा सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नवीनतम आह्वान के बाद हुई। नेलेन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का ऐसे समय पर दौरे पर थी जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हिंसा और संघर्षग्रस्त देश उत्पन्न मानवीय संकट को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि वो वहाँ की बिगड़ती स्थिति और तत्काल चिंताओं के साथ साथ अपने जनादेश के अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। सवाल उठता है कि क्या यूएन की विशेष दूत जेल में बंद पूर्व नेता आंग सान सू की से मुलाकात करेंगी। 77 साल की आंग सान सू की म्यांमार की राजनीति का बड़ा नाम रही है, लेकिन अब उन पर चुनाव उल्लंघन से लेकर भ्रष्टाचार तक के कुल 18 मामले दर्ज है। अब तक आंग सान सू की खुद पर लगे आरोपों को फर्जी बताकर नकारती रही है। चीन में कोरोना का कहर जारी है। अब भी देश के कई इलाकों से कोविड-19 के केस निकलकर सामने आए हैं। वहां के हालात अच्छे नहीं है। वहीं इन सब के बीच देश के व्यस्त शहरों में से एक शंघाई से एक बड़ी ही अजीब खबर निकलकर सामने आ रही है। शंघाई के जुहुई जिले के स्टोर में एक ग्राहक के साथ आए 6 साल के बच्चे में कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद वहाँ हलचल मच गई। इस घटना के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने जुहुई जिले में स्थित स्टोर को बंद करने का प्रयास किया। इस दौरान सैकड़ों लोग जबरदस्ती बंद किए जा रहे दरवाजों को खोलकर सड़कों पर भाग खड़े हुए। देश की सख्त शून्य कोविड रणनीति की आलोचना की जाने लगी। इस साल की शुरुआत में 2 महीने के गंभीर लॉकडाउन के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने उन क्षेत्रों के फ्लैश लॉकडाउन का आदेश दिया है जहाँ कोरोना के सकारात्मक मामले या उनके करीबी संपर्कों का पता चला है। शंघाई स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक जो लोग आइकिया स्टोर और आसपास के क्षेत्रों में थे उन्हें 2 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई। क्वारंटाइन से बाहर निकलने के बाद संभावित मरीज को 5 दिनों तक स्वास्थ्य निगरानी में रखे जाने की बात कही गई। बच्चे के संपर्क में आने को लेकर करीब 400 लोगों का PCR टेस्ट करवाने का आदेश जारी किया गया। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा है। तो बीकेपी न्यूज के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेपी न्यूज। नमस्कार।